हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फोटो जो है वो सरफेस हो रही है सोशल मीडिया में, जहां पर एक चाइनीज़ J-16 दिख रहा है फ्लाई करता हुआ। तो वो लो विजिबिलिटी कैमोफ्लॉज को यूज़ कर रहा है, साथ में जो उसकी नोज़ है उसका पेंट वाइट है, जो कि शो करता है उसमें AESA रडार लगा है। जैसा कि हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो J-16 वाइट नोज कोन के साथ आ रहे हैं उनमें AESA रडार लगा हुआ है। बाकी रिपोर्ट ये भी करा जा रहा है कि जो इंजन है वो चाइनीज़ WS-10 इंजन है। तो ये जो शेंगयांग WS-10 इंजन है वो करीबन 120 से 140 यानी कि 120 टू 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो ये जो इंजन है ये रशियन AL-31 की ही कैटेगरी में आता है, थोड़ा सा थ्रस्ट ज़्यादा है। बाकी सर्विस लाइफ कितनी है ये अभी कहा नहीं जा सकता। बाकी टेल पे एक स्ट्रेंज पेंटिंग से कुछ लिखा गया है, और जो रूमर्स हैं वो ये चल रहे हैं कि इसमें चाइनीज़ AI एल्गोरिथम इंटेलिजेंस विक्ट्री को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि टेस्टिंग चल रही है उसकी। तो इसमें जो पीछे की सीट है वो आप देख सकते हैं खाली है। तो पीछे इन सब एयरक्राफ्ट में जनरली VSO बैठता है, यानी कि वेपन सिस्टम ऑफिसर। तो US एयरफोर्स में इनको कॉम्बैट सिस्टम ऑफिसर कहा जाता है। बाकी US नेवी जो है वो VSO ही कहती है, और पहले जो F-14 होते थे उसमें RIO होते थे, यानी कि रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर। तो इनका काम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो F-14 में जो रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर बैठता था वो रडार को देखता था, एनिमी को आइडेंटिफाई करता था, और कोई मिसाइल लॉन्च होती थी या फिर एनिमी कहाँ से आ रहे हैं ये पायलट को बताता था। तो वो पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराता था, साथ ही साथ कभी कभी जैमिंग का भी रोल करता था। तो जो कॉम्बैट स्पेस है वहाँ क्या चल रहा है, जैसे कि आपके फ्रेंडलीज कहाँ पर हैं, एनिमीज कहाँ पर हैं, किस पर मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन डॉज कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं, ये RIO के थ्रू पता लगता था। तो पायलट को फ्लाई करना रहता था, बाकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो दिलाने का काम RIO का होता था। तो VSO का भी सिमिलर रोल रहता है, जहाँ पर रिकॉग्निशंस के टाइम पे कैमरा को ऑपरेट करना, एनिमी की पोजीशन बताना, वेपन्स को प्रिपेयर करना, डेटा लिंक की जो इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल उसको पायलट को प्रोवाइड कराना, ताकि जो पायलट है वो फ्लाइंग पे फोकस कर सके। साथ ही साथ ग्राउंड बॉम्बिंग के टाइम पे भी, जैसे टारगेटिंग पॉड हो गया, उससे टारगेट को मेंटेन करना, लेजिंग करना, तो ये सब काम भी जो VSO है वो कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो पायलट है वो खाली फ्लाइंग पे फोकस करता है, और दोनों का क्योंकि वर्कलोड डिवाइड हो जाता है तो पायलट पे स्ट्रेस कम होता है, उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है अपना दिमाग चलाने के लिए। तो यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है कि जो पीछे VSO बैठता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है, यानी कि जो बैटल स्पेस की इंफॉर्मेशन है और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है पायलट को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बताई जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जहाँ पर पहले कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी जाए उसको जज करना पड़ेगा AI को, साथ ही साथ जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको एक्वायर कैसे किया जाए ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक ग्राउंड टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करना है और उसकी एक प्रायर पिक्चर आपके पास एज अ रेफरेंस है। तो जब आप टारगेट को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो टारगेट करने के लिए बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है, वहाँ पर कैमोफ्लॉज को ऐड कर रखा है। तो यूजुअली आप अपना दिमाग लगाकर जान जाएंगे कि हाँ ये सिमिलर बिल्डिंग है तो यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। अब यही चीज़ अगर AI को जज करनी पड़े तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। तो ये जो चीज़ों का एनालिसिस है, हो सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना प्रॉपरली ना कर पाए। तो अभी हम यहाँ पर कुछ उतना कह नहीं सकते, हो सकता है वो इस चीज़ को बना ले। तो ये जैसा प्लान किया जा रहा है अगर वैसा बनकर आता है तो इसके फायदे क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि आपकी जो मैन पावर है वो कम लगेगी, और दूसरा फायदा ये है कि अगर आपका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होता है तो जो जान माल का नुकसान होना था, माल का तो खैर होगा पर जान का कम होगा। तो अगर आप एक ऐसा AI बनाने में सक्षम होते हैं जो आपको परफेक्ट सिचुएशनल अवेयरनेस दे, साथ ही साथ आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे जो उस सिचुएशन में सूट करते हैं, और जो ग्राउंड बॉम्बिंग वगैरह हैं उसमें हेल्प कर सके, तो आपको पायलट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप UAVs भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फ्लाइंग छोड़कर कुछ रह नहीं गया, आप लिटरली एक पायलट को, एक VSO को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब ये प्रोग्रेस कहाँ तक होती है ये देखने वाली बात होगी।
बाकी जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि ह्यूमन को रिप्लेस कर सके, स्पेशली एक एक्टिव वॉर मशीन में। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।